आज फादर्स डे पर हैप्पी फादर्स डे टू एवरीबॉडी एक छोटी सी कविता लिखी है, आप सबसे शेयर करूंगा। कभी कुम्हार को मिट्टी से सुराही बनाते देखा है, कभी उसके उस पहलू को नजदीक से परखा है। यदि परखा है तो देखा होगा कि किस प्रकार नरम मिट्टी को वो सहलाता है, जरूरत पड़ती है तो साथ साथ थपेड़े भी देता है। सहलाने के साथ साथ थपेड़ों के बिना सुराही सही रूप नहीं ले सकती है। इसी प्रकार बच्चों की उम्र भी कभी प्यार तो कभी सख्ती की इच्छुक होती है। हाँ, इस उम्र में बच्चों को यह बुरा लगता है, उन्हें नहीं मालूम कि उससे उनका भला हो सकता है। बच्चों को समझाएं कि अपनों के प्रति ही सख्ती की जा सकती है, क्या गैरों के बच्चों की जिंदगी सख्ती से सुधारी जा सकती है? मैं भी एक गीली मिट्टी का गोला था जब मैं पैदा हुआ। एक अच्छे कुम्हार की भांति बाऊजी ने ढाला मुझे जब से मैं पैदा हुआ। उन्होंने कहा ये नहीं करना, कभी कहा वो नहीं करना, साथ में ये भी कहा सुकर्म करने में कभी न डरना। माँ ने जन्म दिया, पिता ने इस शरीर को निडरता का रूप दिया। माँ ने प्यार दिया तो पिता ने अनुशासन का स्वरूप दिया। समय समय पर पुचकार और प्यार दिया उन्होंने, आवश्यकता पड़ने पर थपेड़ों का सहारा भी लिया उन्होंने। करते न सख्ती तो क्या आज मैं ये समझ पाता, जो हूं मैं आज क्या मैं बन पाता। जीवन में धैर्य धरना सिखाया उन्होंने, हमेशा सच्चाई और धर्म का मार्ग दर्शाया उन्होंने। सारे परिवार के मार्गदर्शक थे वो, सच तो यह है हमारे लिए सब कुछ थे वो। आज भी बाऊजी की याद हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, उनकी हर बात हमारे हर कदम को संभाल कर उठाती है। ऐसा होता है प्यार पिता का, जो हर पग पर मार्गदर्शन करता है। धोखे से रहित थोड़ी सख्ती वाला बन सदा हमको सफलता की ओर बढ़ाता है। पिता के कहे को आज्ञा मान लो, पिता के कहे को आज्ञा मान लो, आपका सदा भला ही होगा, इसे जान लो। नसीब वालों को ही यह प्यार मिल पाता है, उनसे पूछिए जिनके पिता का साथ उनसे छूट जाता है। आज फादर्स डे पर सभी बधाई मेरी ले लो, साल का हर दिन फादर्स डे मनाएंगे ये शपथ ले लो। हर दिन आज्ञा मान सत्कार कर पिता का आशीर्वाद लेंगे, जिनके नहीं पिता जीवित सुकर्म कर श्रद्धांजलि अपने पिता को देंगे। धन्यवाद। हैप्पी फादर्स डे।